लड़की के शोलों में घर चल रहा है। और तुम कहना क्या चाहते हो? बहुत जल्द पता चल जाएगा। बताओ, हमारा घर जल रहा है। तीर मोहम्मद, तुम कहना क्या चाहते हो? तीर मोहम्मद, तीर मोहम्मद भागो जितना भाग सकते हो। हम भी देखें कहां तक भाग सकते हो। ये क्या धीर भाई जी, एक राजपूत योद्धा को विदा करते समय एक राजपूत पत्नी की आंखों में आंसू शोभा नहीं देते। आपको अपना मन कठोर बनाना होगा। हमारे पीछे आपको इस महल की सारी व्यवस्थाओं को संभालना है, सबका ध्यान रखना है। अगर आप ऐसा करेंगी तो फिर कैसे चलेगा? वचन दीजिए हमें कि आप अपना मन कठोर बनाएंगी और हंसते हंसते गर्व के साथ, साहस के साथ मेवाड़ की महारानी का कर्तव्य निभाएंगी। बड़े दाजी राज, हम भी आपके साथ युद्ध में चलेंगे। बड़े दाजी राज। नहीं भंवर जी, आप नहीं चल सकते, क्योंकि आपको यहां महल में रहकर मेवाड़ की सारी स्त्रियों का ध्यान रखना है, उनकी रक्षा करनी है। आपके इन वीर हाथों में हम मेवाड़ की मान का दायित्व सौंपे जा रहे हैं। ध्यान रखेंगे ना आप? हम किसी को पांव तक नहीं रखने देंगे दुर्ग में। बड़े दाजी राज, हमें आपसे इसी साहस की अपेक्षा थी। आयुष्मान भवा, कीर्तिवान भवा, विजयी भवा। वीर भाई जी, अपना ध्यान रखिएगा धीर भाई जी। आप भी अपना ध्यान रखिएगा वीर भाई जी। चलते हैं। कुंवर प्रताप, मेवाड़ पर घने संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अब आप ही आकर हमें इस संकट से उबार सकते हैं। वीर मोहम्मद, कायरों की भांति कहाँ छिपकर बैठे हो तुम? हम जानते हैं तुम यहीं कहीं छिपे। हम वचन देते हैं कि अगर तुम सीधे सीधे हमारे सामने आओ तो हम तुम्हें एक पीड़ा रहित मौत देंगे। मरने से पहले हमें इतना बता कि तुम चित्तौड़ के विषय में हमसे क्या कहना चाहते हो? पीर मोहम्मद, बाहर आओ। धन्यवाद चित्तक। भागो पीर मोहम्मद, जहां तक भाग सकते हो भागो। पीर मोहम्मद, आज तुम बचकर नहीं जा पाओगे। आज तुम मरोगे हमारे हारे। अरे तुम भागो उधर से भागो। तभी हटे कटे मार दो और जवान औरतों को पकड़ लो, जो ना बोले उसे मार दो, काट दो। किसी भी दुश्मन पे रहम करने की जरूरत नहीं है। तुम मुगलों की इतनी हिम्मत कि मैं अकबर की धरती पर पांव रखा। मैं कुंवर प्रताप की धरती से हूँ, तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। मार डालूंगा तुझे, एक भी मुगल इस धरती पर जिंदा नहीं बचेगा। तबाह कर दो सबको, वो जिंदा न बच पाए यहाँ पे। शहंशाह, रियासत चित्तौड़ तमाम राजपूताने सबसे अव्वल रियासत मानते। वे तहे दिल से चाहते कि रियासत चित्तौड़ और मुगल सल्तनत के बीच एक गहरा रिश्ता कायम है, और इसीलिए उन्होंने आपकी बेटी मानकंवर के लिए अपने रिश्ते का मुबारक पैगाम भेजा है। हमारा ही शागिर्द था, ये भी आपके साथ दुश्मन हो गए हमारे प्रताप। उस दिन जब तुम हमारे दरबार आए थे तो हमने तुम्हें जीवित छोड़ दिया था, यह सोचकर कि तुम एक दूत बनकर आए हो उस अकबर के, और धर्म ने हमारे हाथ बांध रखे थे। किंतु आज हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। नहीं पीर मोहम्मद, उठाओ। अरे मियां, ये क्या कर रहे हो प्रताप? हमने मरते हुए बैरम खान को यह वचन दिया था कि हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। तुमने अपने ही गुरु को मरवा दिया, अपने ही गुरु को। भला संसार में ऐसा कौन होगा जो अपने ही गुरु को धोखे से मरवा दे? मात्र तुम्हारा वो अकबर, वो ऐसा घोर अपराध कर सकता है? हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। आज छोड़ दे मुझे, माफ कर दे मेरे सारे गुनाह। माफ कर दे, माफ कर दे। हम तुम्हें छोड़ दे। लगता है बहुत सारे मुगल सिपाही हैं। कोई नहीं आएगा तुम्हारी मदद के लिए यहाँ। पकड़ो इस औरत को, मार डालो इसके बच्चे को। चलो मत छोड़ो इस बच्चे को। नहीं छोड़ो मेरा बच्चा। चित्तौड़ के विषय में तुम हमसे क्या कह रहे थे? क्यों कहा था तुमने कि हमारा घर जल रहा है? कहो पीर मोहम्मद। अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? नहीं। तू भी नहीं बचेगा प्रताप, प्रताप तू भी मरेगा, मरेगा तेरा सब खत्म। तो जिस चीज के लिए लड़ रहा है ना, राजपूताना, वो भी खत्म, सब खत्म। तू भी मरेगा प्रताप, तू भी मरेगा, तू भी मरेगा प्रताप, तू भी मरेगा। तू भी नहीं बचेगा प्रताप, तू भी मरेगा, मरेगा तेरा सब खत्म। तो जिस चीज के लिए लड़ रहा है ना, राजपूताना, वो भी खत्म, सब खत्म। तुम्हारी ऐसी जुर्रत, मुगल सिपाही पर हमला। कौन हो तुम? तेरा बाप। मुझे तो तुम मेवाड़ के किसी मामूली चूहे से ज्यादा नहीं दिख रहे हो। अगर इज्जत है तो आओ इधर, अभी खुदा के रख देगा तुम्हें अपने कदमों तले। तुझे तो अपने बाप से बात करनी भी नहीं आती, लगता है बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा तुझे। वैसे भी तेरी गलती नहीं। मुगल अपनी अनुशासनहीनता, अभद्रता और कटु भाषा के लिए वैसे भी जाने जाते हैं। लड़का रहे थे तो एक अबला नारी के ऊपर अत्याचार। तुमसे अधिक साहसी तो ये अबला जो निर्भीकता से तुम सिपाहियों का सामना कर रही थी अपने पुत्र को बचाने के लिए। सुनो बहन, निकालो अपनी चूड़ियां और फेंक दो इनकी तरफ। ये कायर तुम्हारी चूड़ियां पहनने लायक ही हैं। ए बेवकूफ औरत, तुमने जाना ही नहीं अभी असली मुगल का जलवा। देखो अब मैं बताता हूँ क्या होता है मुगल। तुम में से एक भी कोई जिंदा नहीं बचेगा आज। लगता है इस धरती का खा के बहुत घमंड आ गया है तुम्हें मार का एक लंबी यात्रा पर लेकर जाना पड़ेगा, तभी तुम्हारा एक घमंड टूटेगा। सुनो सिपाहियों, आज इन्हें मार कर अफगानिस्तान भेज देते हैं। भागते वहां जाएंगे तो अपने आप इनकी सारी चर्बी निकल जाएगी। आज एक राजपूत 20-20 मुगलों को मारेगा। देखना चाहते हो तो आ जाओ, करो हमारा सामना। जय अकलिंग जी। क्या हुआ पीर मोहम्मद का? वो अब जीवित नहीं रहा। हमारे और पीर मोहम्मद के बीच कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं थी। हमारे शत्रु को मारने के अपराध में हमने उसे मार दिया। बैरम खान हमारा शत्रु था, किंतु एक वीर था और पीर मोहम्मद का गुरु था। उसने अपने गुरु बैरम खान को मारा। हमने मरते हुए बैरम खान को वचन दिया था कि हम पीर मोहम्मद को जीवित नहीं छोड़ेंगे। तो बस आज हमारा वचन पूरा हो गया। लेकिन आचार्य, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं कुंवर प्रताप। आपका हृदय मानवता से ओतप्रोत हो रहा है। यह स्वाभाविक है। यदि व्यक्ति के अंदर मानवता जीवित होती है तो वह किसी भी अन्य व्यक्ति की मृत्यु पर कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकता, चाहे वो अन्य व्यक्ति पीर मोहम्मद ही क्यों ना हो। हमारे शास्त्रों में 5 सबसे बड़े पापों में से गुरु की हत्या सबसे निकृष्ट पाप माना गया है। यही कारण है कि जो पीर मोहम्मद के साथ हुआ वो उचित हुआ। अब आपको इसके लिए निराश होने की या दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं। हमें राजा जयमल जी के पास चलना चाहिए। और उसके उपरांत हमें चित्तौड़ के लिए भी निकलना होगा। आचार्य, पीर मोहम्मद ने किसी संकट के बारे में कहा था चित्तौड़ में। क्या आपको कोई जानकारी है इस विषय में? हमें ऐसे किसी भी बात की जानकारी नहीं। और क्या कहा पीर मोहम्मद ने? कुछ नहीं। हमें यहाँ से निकलना होगा इसी क्षण। जी आचार्य। तुम मुगल इस देश पर राज करने तो आ गए, किंतु तुम्हें शिष्टाचार किसने नहीं सिखाया। तुम लोग केवल राज करना और लूटना ही जानते हो, लेकिन आज हम तुम्हें कुछ सिखाएंगे कि जब किसी दूसरे की धरती पर अपना पांव रखो तो एक अतिथि बनकर, लुटेरे बनकर नहीं। उठाओ अपनी तलवार और सामना करो हमारा। उठाओ। हमला करो सब इस पे। सूर्य जी, अब क्या क्या कर रहे हैं? अब जाइए हमारे सैनिकों को बचाइए। हम लोग तो हम चलाते हैं वो। रुको। अब पता चला कौन है बुज़दिल और कौन है मर्द। हम अकेले मत खड़े हैं तेरे सामने तलवार लेकर। और तुम सब नपुंसक। अगर एक वीर से लड़ने के लिए तुम्हें इतने सारे सिपाही चाहिए तो खुद ही समझ लो कि मर्द कौन है और नपुंसक कौन। सिपाहियों, टुकड़े टुकड़े कर दो इसके। सही समय पर आए आप रावत जी। सिपाहियों, एक भी राजपूत जिंदा न बच पाए। एक भी मुगल बच के नहीं जाना चाहिए। आक्रमण! चिल्ला मत। मात्र एक उंगली काटी है हमने। जा बोल दे अपने अकबर को कि उसके सेनापति की क्या हालत की है राणा उदय सिंह ने। इस अपमान के बाद चुपचाप आगरा चले जाए अकबर, नहीं तो गाजर मूली की तरह काट के रख देंगे हम सब मुगलों को। जाओ। चले सब लोग जल्दी कीजिए, इससे पहले कि अकबर एक बार फिर से आक्रमण करे। तुर्क के अंदर चले जाइए सब लोग, शीघ्र कीजिए जल्दी। अम्मा, हम आपका सामान उठा देते हैं, आप शीघ्र कीजिए। जल्दी तुर्क की तरफ निकलिए आप, जल्दी और शीघ्र तुर्क में जाइए। आप सब लोग भी जितना जल्दी हो सके निकलिए यहाँ से। आसपास के गांव से मिलाकर लगभग 30,000 लोग होंगे। जल्दी कीजिए, भला इतने सारे लोगों को अपने दुर्ग में कैसे स्थान दे पाएंगे? रावत जी, ये हमारी प्रजा है, अकबर कभी भी इन पर आक्रमण कर जबरन इन्हें अपना दास बना सकता है। हम ये कैसे सह सकते हैं कि हम दुर्ग में सशक्त प्राचीरों के पीछे सुरक्षित बैठे रहें और ये अकबर के वार सहते रहें? हम ऐसा नहीं होने देंगे रावत जी। इनकी सुरक्षा हमारा धर्म है और हम अपना धर्म निभाएंगे। जैसी आपकी आज्ञा राणा जी। चलो जल्दी कीजिए, चलिए सब शीघ्र। आओ जल्दी जल्दी, शीघ्र करो, जल्दी आओ। चलो, सामान की चिंता बिल्कुल मत करना, अगर जीवित रहे तो सामान फिर बन जाएगा। शीघ्र करो, दूर के अंदर आओ। जल्द से जल्द सूचना पहुंचाइए कि चित्तौड़ के दूसरी दिशाओं के प्रवेश द्वार खोल दिए जाएं। जिस किसी को भी हमारी पनाह चाहिए उसे दूर के अंदर आने दिया जाए। जी हुकुम। पूर्वाभास हुआ है। क्या देखा आपने? पूर्वाभास। चित्तौड़ के दुर्ग में कई शव। हमारा मन बहुत घबरा रहा है आचार्य। हमें शीघ्र चित्तौड़ की ओर प्रस्थान करना चाहिए। चलिए चलिए। आज तुम चाहो तो अपने आप की बहुत मदद कर सकते हो। तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। अब भी वक्त है, बता दो किसके लिए लेकर जा रहे थे वो पैगाम? प्रताप के लिए लेकर जा रहे थे वो पैगाम? हमारे यहाँ लोग कहते हैं मुगलों की बुद्धि उनके सिर में नहीं घुटनों में होती है, और आज तुमने ये बात सच साबित कर ही दी। अरे मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि तुम मुगल चाहे कुछ भी कर लो, मेरे प्राण ले लो, किंतु मेरा मुंह कभी नहीं खुलेगा, कभी नहीं। मेरी अकल कहाँ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। असल बात तो ये है कि जब हम अपनी पे आते हैं तो बड़े थर्राने लगते हैं हमारे सामने। तेरी औकात ही क्या है? अपने मकसद को हासिल करने के लिए कोई भी जुल्म कर सकते हैं हम। तुम में से ही एक था ना वो पृथ्वीराज चौहान? कहते हैं कि उसने मोहम्मद गौरी को 16 बार हराया था और उसके बाद उसे माफ कर दिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ जानते हो ना? मारा गया मोहम्मद गौरी के ही हाथों। क्या करे, दुश्मन के साथ रहम करना हमको आता ही नहीं है। और अब तुम भी देखोगे। इंसानी जिस्म को तकलीफ देने के लिए कैसे कैसे नायाब तरीके इजाद किए हैं हमने। दिमाग काम करना बंद कर देगा तुम्हारा। तू क्या, तेरा बाप भी मुंह खोलेगा। रुक जाओ। छोड़ दिया जाए इन्हें, इज्जत के साथ पेश आया जाए इनके साथ। जानते नहीं कितने बहादुर और जंगजू किस्म के राजपूत हैं ये, बड़े ही वफादार सिपाही हैं ये। अपने मालिक के प्रति वफादार होना काबिल तारीफ और काबिल एहतराम होता है। हम बहुत खुश हैं तुमसे। हम तुम्हें अपनी शाही फौज के सिपह सलार अव्वल बना सकते हैं। बोलो, लड़ोगे तुम हमारी तरफ से? शहनशाह अकबर मौत में देख खास सिपह सलार की हैसियत से लड़ोगे तुम? मुस्तकबिल बदल जाएगा तुम्हारा। फर्श से अर्श तक पहुंचा देंगे तुम्हें। तो बोलो, लड़ोगे तुम हमारी तरफ से? आप मुझे अपना सैनिक बनाना चाहते हैं, मतलब अपना नौकर। कुंवर प्रताप हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं मानो हम उनके परिवार के सदस्य हैं, और मैं अपने परिवार के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा। चाहे आप जितनी ऊंची बोली लगा लीजिए, मैं कभी नहीं बिकूंगा। मेरी ये रस्सी खोल के तो देखो, फिर देखो मैं तुम लोगों के साथ क्या करता हूँ। सिपाहियों के लिए जगह बनाई जाए, हमारा बहुत नुकसान हुआ है। घायल सिपाहियों के लिए दवाई का इंतजाम किया जाए, हुसैन अली के लिए पानी लाया जाए। चलो आराम से चलो। कैसे हुआ ये? हुजूर, हमारे सिपाही गए थे गांव में गुलामों को पकड़ने के लिए, मगर मेवाड़ की सेना ने जबरदस्त जवाबी हमला बोल दिया, और जिसके लिए हमें मैदान छोड़ के भागना पड़ा। और हुसैन अली भी बुरी तरह से जख्मी हो गए। दुश्मनों ने उनकी एक छोटी उंगली भी काट दी। यहाँ बना, अब हम यूं खामोश नहीं बैठे रह सकते। आप बस हुक्म कीजिए, मैं अपने फौज को लेकर जाऊंगा और उन राजपूतों को मिट्टी में मिला दूंगा। और आप देखिएगा हुजूर, शाम होने से पहले चित्तौड़ के किले पर मुगल सल्तनत का परचम फहरा रहा होगा। नहीं, अभी नहीं, अभी हम इंतजार करेंगे और थोड़ा इंतजार करेंगे। समझ नहीं आ रहा आखिर शहनशाह के दिमाग में चल क्या रहा है। आखिर वो इतने खामोश क्यों हैं? लेकिन मैं ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। वहां उन राजपूतों ने हमारे सेनापति को अधमरा कर दिया है, और हम बदला लेने की बजाय यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। मैं उन राजपूतों की गर्दनें उड़ा दूंगा, और आज की रात उन राजपूतों की चिताओं से रोशन होगी। ये वादा है आलिम खान का। रुक जाओ आलिम खान, हम कहते हैं रुक जाओ। हमारी बात सुनो आलिम खान। कुंवर प्रताप जी, पीर मोहम्मद की बातों को सुनकर इतना विचलित मत होइए। एक लिंग जी सब ठीक कर देंगे। आचार्य, हमारे मन का विचलित होना या ना होना हमारे वश में नहीं है, पर हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चित्तौड़ भारी संकट में है। मेरे जाबाज सिपाहियों, आज हम चित्तौड़ पर हमला करेंगे। एक भी राजपूत बचना नहीं चाहिए। खत्म कर दो सबको। अकबर आजम जिंदाबाद, जिंदाबाद। जाओ जाकर पता लगाओ कि बाहर आवाज कैसी है। रुक जाओ अलीम खान, तुम्हें खुदा का वास्ता रुक जाओ। नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया अलीम खान। इतनी सी बात तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आती? शहनशाह के खिलाफ हुक्मबदली करना जंग में सबसे बड़ा गुनाह है। जब जहां पर ने एक बार बोल दिया कि इंतजार करो तो इंतजार करो। नहीं होता मुझसे अब इंतजार। रही बात शहनशाह की, जब मैं चित्तौड़ फतेह कर लूंगा तो शहनशाह को भी मुझ पर गर्व होगा। चलो सिपाहियों, आज हमें चित्तौड़ को फतेह करना है। आज रात का खाना हम वही खाएंगे। रुक जाओ अलीम खान, मैं तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगा। नहीं यार बेग, आज दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। क्या जा रहे हो? अलीम खान रुक जाओ। शीघ्र चले दुर्ग की तरफ। रावत जी, अभी बहुत से नागरिक दुर्ग के नीचे हैं। हमें कुछ और सैनिक भेजने पड़ेंगे वहां पर। जी राणा जी। सिपाहियों, कुछ अन्य सैनिकों को लेकर शीघ्र जाओ। सभी दोनों तरफ अपना स्थान लेंगे। शहनशाह का इकबाल बुलंद हो। हुजूर, अलीम खान आपके हुक्म के बगैर ही अपने फौजी दस्ते के साथ मेवाड़ पे कब्जा करने के लिए निकल चुका है। ऐसा करने को उसने सोचा भी कैसे? किससे पूछकर उसने ये गुस्ताखी की? मैंने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। खुर्दबीन दी जाए। सरदारजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हुकुम, लगता अकबर ने अपनी सेना को हम पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया है। ये आप क्या कह रहे हैं सरदारजी? सहस्त्रों की संख्या में नागरिक दुर्ग के बाहर हैं। यदि इस समय आक्रमण हुआ तो हमारी प्रजा दोनों सेनाओं के बीच फंस जाएगी। सब लोग मारे जाएंगे। सुनिए आप सब लोग, सब कुछ छोड़ छाड़ के दुर्ग की तरफ चलिए। मुगल सेना आ रही है। सरदारजी, आप दुर्ग में जाइए और सभी धनुर्धरों से कहिए कि वो अपने कमान तैयार रखें। चलिए शीघ्र। बहुत वक्त बर्बाद कर चुके हैं हम। आज का दिन राजपूतों के लिए आखिरी होना चाहिए। आगे बढ़ाओ। रावत जी, ध्यान दीजिएगा कहीं भगदाड़ न मच जाए। जी राणा जी, आप लोग शीघ्र कीजिए, किंतु विशेष ध्यान रहे किसी को भी चोट न पहुंचने पाए। और महिलाओं और बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। पहले महिलाओं और बच्चों को अंदर जाने दें। शीघ्र चलिए। बाकी सभी सैनिकों को भी तैयार होने के लिए बोलो। शीघ्र। राणा जी, इन विकट परिस्थितियों में हम आपके प्राणों को संकट में नहीं डाल सकते। आप दुर्ग के भीतर जाइए शीघ्र। ये आप क्या कह रहे हैं रावत जी? ये लोग। हुकुम, आप दुर्ग के अंदर जाइए। मैं और रावत जी इन्हें देखते हैं। राणा जी, संकट की ऐसी परिस्थितियों में ये हमारी विनती रही। आदेश है आपके सेनापति का, शीघ्र दुर्ग के भीतर जाइए राणा जी। ठीक है रावत जी, आप यहाँ भीड़ को संभालिए, हम अंदर सैनिकों के पास जाते हैं। मुगल सेना हमारी और तीव्रता से बढ़ रही है। आप सभी अपने तीर को कमानों पर चला के हमारे आदेश की प्रतीक्षा करें। शीघ्र आइए, जल्दी जल्दी खोलो। छोटी माँ कहाँ पर है? रानी माँ पूजा घर में है। अजब दे, इतने सारे लोग दुर्ग में शरण लेने आए। हमें इनके खाने और रहने की व्यवस्था करनी होगी। हाँ छोटी माँ, ये कार्य सरल नहीं होगा, क्योंकि पता नहीं कितने समय तक चलेगा ये घेरा। ये लो, फिर हमें अपना निश्चित नहीं लग रहा है। हाँ, पर इतने सारे लोग आ गए। क्यों आ रहे हैं यहाँ? ये लोग रोड के बाहर गांव में रहते हैं। ये भोले भाले ग्रामीण लोग आपके दाजी राज या बड़े दाजी राज के भांति योद्धा नहीं है। अकबर इन पर आक्रमण कर जबरन इनको दास न बना ले, इसीलिए आपके बड़े दाजी राज इन्हें इस दुर्ग में ले आए, अकबर की सेना से बचाने के लिए, ताकि अकबर इन पर कोई भी हानि ना पहुँचा सके। हमारे वीर सिपाहियों, जैसा कि आप जानते हैं कि शत्रु हमारे दुर्ग की ओर बढ़ रहा है। जब तक हमारी शिलाओं में रक्त की एक भी बूंद बाकी है, हम अपने इस दुर्ग पर अपने शत्रुओं का अधिकार नहीं होने देंगे। जय हिंद जी। हम भी उन मुगलों से लड़ना चाहते हैं। अमीर सिंह, मुगलों से हमारी सुरक्षा के लिए गए हैं ना आपके बड़े दाजीराज, तो हम बड़े दाजीराज की सुरक्षा करेंगे। जाने दीजिए हमें। अमर सिंह, आप अपनी भी रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत छोटे हैं आप। हम उनको सबक सिखाएंगे हमारे इस महल में घुसने के लिए। अमर सिंह, देखिए बाहर बहुत सारे लोग आए हैं शरण के लिए। हमारे इस दुर्ग में उनके रहने की खाने की व्यवस्था करनी चाहिए हमें। आप हमारे साथ यहीं पर रहिए और हमारी सहायता कीजिए, ठीक है? और हमें उन मुगलों को सबक सिखाने का मौका मिलेगा ना। रक्षा कीजिएगा इंसान। राणा जी, मुगल सेना बहुत बात आ चुकी है, पर ग्रामीण जन अभी दुर्ग के भीतर नहीं पहुंचे हैं। लेकिन हमें दुर्ग के द्वार बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि शत्रु बहुत निकट आ चुका है। नहीं सरदार जी, अभी हमारे बहुत से नागरिक दुर्ग के बाहर हैं। हमें इन्हें कुछ और समय देना होगा। जल्दी कीजिए, शीघ्र दुर्ग के अंदर आइए, जल्दी। ये अकबर क्यों नहीं दिख रहा? अवश्य ही उसका कोई सेनापति है। जैसे वो पीपल के पेड़ के पास आए, हमें आक्रमण करना पड़ेगा। राणा जी, शीघ्र कीजिए आप सब लोग, जल्दी दुर्ग के अंदर आइए। समय नहीं है हमारे पास, शीघ्र चलिए। शत्रु बहुत बिगड़ आ चुका है। अगर अब भी हमने आक्रमण नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। शीघ्र कीजिए। जी राणा जी, जयकार हो। लोगों से। मुगल मेरे घर में घुसने आ रहा है, तेरी ये हिम्मत। भी चित्तौड़ की तरफ आंख उठाने का दुस्साहस मत करना, अन्यथा आंखें फोड़ दी जाएंगी। जाओ कह दो अपने अकबर से लौट जाए आगरा, अन्यथा उन्हें सेना निहित करने में समय नहीं लगेगा। हमें जय मेवाड़। जय मेवाड़। जय मेवाड़। कुंभलगढ़ दुर्ग पहुंचने में आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? जी नहीं। जयमल जी कहाँ हैं? कक्ष में। चलिए। कुंवर प्रताप, हम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। मुगल सेना ने आपके दुर्ग चित्तौड़ को घेर लिया। उस पर आक्रमण करना चाहता। आग लगी है तुम्हारे घर में, आग में आग। तबाही के शोले में तुम्हारा घर जल रहा है प्रताप। राणा जी, हमने सोचा नहीं था कि ये दिन अपने जीवन में पुनः देखना पड़ेगा। ये सब क्या हो रहा है यार? हमने किले का मुख्य द्वार बंद करने के लिए कहा है ताकि अकबर अंदर ना आ सके। हमें अकबर की मंशा ठीक नहीं लगती। वो कभी भी आक्रमण कर सकता है आपके दुर्ग चित्तौड़ पर। यदि उस मुगल अकबर हमारे चित्तौड़ में पावर का भी तो साहस किया। रेखलिंग जी जीवित जीवित छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। जीवित आग से खेल रहा है तू। जंग से पहले ही बहुत बड़ा फौजी नुकसान उठा चुका है। अभी भी वक्त है, लौट जा वापस, वरना आग से खेलने वालों के हाथ चल जाते हैं। हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। आग से मत खेल, जल जाएगा। लौट जा वापस। जहां पनाह, आप ठीक तो हैं? खुदाया दीजिए हमें हमारी तस्वीर। शहंशाह वापस कीजिए तस्वीर, खुसूसन ये हमारी ज़ाती चीज है ना, तो हमें वापस कीजिए। अरे खाबिन है हम आपके, हमारा हक बनता है इसे देखने का। शहंशाह हम आपसे इल्तिजा कर रहे हैं ना, अब हमें वापस कीजिए। अरे अरे देखिए हमें हमारी तस्वीर वापस चाहिए। अरे शहंशाह जिद नहीं करते। अरे हमारा भी हक बनता है, हमने कहा ना अभी आपको। शहंशाह वापस कीजिए। बहुत बड़ा बदशगुनी है। बदशगुनी? ऐसी बदशगुनी? खुदा खैर करे, लगता है कुछ बहुत बुरा होने वाला है। कुछ बुरा नहीं होगा, आप चले हमारे साथ। शहंशाह आप ठीक है ना? पहले आप ये बताएं कि आपका चित्तौड़ का सफर कैसा रहा? शहंशाह प्रताप ने बड़ी ही बदतमीजी के साथ मान कवर के लिए आपका भेजा हुआ रिश्ता ठुकरा दिया, और आपने जो तोहफे भेजे थे उन्हें भी सरे दरबार उठा के फेंक दिया। मन तो करे तुम्हारे इस प्रस्ताव और भेंट के उत्तर में हमारा कटा हुआ सर अकबर को भेज दे। जहां बना का इकबाल बुलंद हो, आलिम खान लौट आए हैं हुजूर। मुझे माफ कर दीजिए शहंशाह, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने गुरूर में अंधा हो गया था। मैं देख ही नहीं पाया आपकी गहरी समझ को। राजपूतों ने खुले मैदान में हमारे लिए सचमुच मौत का फंदा बनाया हुआ था। मैं जानता हूं जहां पनाह, मेरे इस गुनाह की कोई माफी नहीं, लेकिन आप रहम दिल है शहंशाह। मुझे एक मौका दीजिए, आपका दिल बहुत बड़ा है, आप हमारे आका हैं, एक आखिरी मौका दे दीजिए। मुझे मुआफ कर दीजिए शहंशाह, मुआफ कर दीजिए। नहीं कहा तुमने, यकीनन हमारा दिल बहुत बड़ा है, इसलिए हम तुम्हें अपने हाथों से नहीं मारेंगे। इसे हमारे शाही हाथी के सामने उसके कदमों के नीचे कुचलने के लिए फेंक दिया जाए। रहम जहां पना रहम, रहम कीजिए जहां पना रहम। अलीम खान की सजाए मौत तमाम फौजियों के लिए एक सबक हो, ताकि फिर कोई फौजी हमारे हुकुम दिली के लिए नापाक जुर्रत न कर सके। ले जाओ इसे यहां से, यहां से। रहम जहां पना, रहम, रहम जहां पना। इस जिल्लत की मौत से अच्छा है तो मैं मैदान जंग में आपके लिए इज्जत की मौत पाऊं। मुझे एक मौका दीजिए जहां पना। शहंशाह रहम, शहंशाह रहम, शहंशाह रहम, शहंशाह। इस वक्त हम मैदान जंग में, और इन जंगी हालात हम अपने फौजी और अपने सिपा सलारों के एहसास का एहतराम करते हैं। हमने तुझे इनकी फरियाद पर छोड़ दी, जिंदगी बख्श बख्श, पर जुर्म बेसजा नहीं हो सकता, इसलिए इसे फौजी छावनी की जेल में डाल दिया जाए। न खाने को दिया जाए, न पीने को दिया जाए, छोड़ दिया जाए अकेले जेल की सलाखों के पीछे, भूखा प्यासा। ले जाओ इसे और मांगते रहो चीख चीख के हमसे रहमदिली की भीख, इस उम्मीद में शायद हमारा दिल पसीज जाए और हम तुम्हें मुआफ करें। ले जाओ उसे। क्या हमने रहमदिली का मुजाहिरा नहीं किया? जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद जिंदाबाद, जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद जिंदाबाद, जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद जिंदाबाद। अकबर ने बहुतों को धोखा दिया है। आपके अंदर की वेदना को समझ सकते हैं। आपको आपके घर से, आपके किले से, मेड़ता से बाहर निकाल दिया गया। आपको छोड़ना पड़ा। एक राजा के लिए इससे और पीड़ाजनक बात और क्या हो सकती है? भले आज मुगलों ने मेड़ता हत्या लिया, विश्वास रखें एक दिन अवश्य आपको अवसर मिलेगा उसे पुनः वापस लें। सत्य कहा आपने कुंवर प्रताप। हम भी उसी दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब उस अकबर से खुद को दिए गए धोखे का बदला ले सकें। हम पुनः आपको धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि आपने हमें अकबर के उस सिपह सालार पीर मोहम्मद के चंगुल से छुड़ाकर कुंभलगढ़ के इस दुर्ग में सुरक्षित स्थान दिया, वरना हम तो आशा ही खो चुके थे कि हम जीवित भी बचेंगे या नहीं। परंतु कुंवर प्रताप, चिंता का विषय इस समय आपके दुर्ग के बाहर मुगल सेना का भारी मात्रा में एकत्रित होना है। जी, अवश्य ही उस अकबर के मन में कोई कपटता भरी चाल होगी। हमें चित्तौड़ के लिए चिंता हो रही है। हमें शीघ्र अतिशीघ्र वहां के लिए प्रस्थान करना चाहिए। रुकिए कुंवर प्रताप, योजना क्या है आपके मस्तिष्क में? नहीं, हम भली भांति जानते हैं कि आप बहुत बड़े शूरवीर हैं, महान योद्धा हैं, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अकबर बहुत बड़ी सेना के साथ आपके दुर्ग के बाहर उपस्थित है। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अकबर के पास अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र हैं, तोपखाने हैं, और इससे भी बड़ी दुख की बात यह है कि हमारे पास चित्तौड़ दुर्ग की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सैनिक नहीं है। परंतु एक योजना है हमारे मस्तिष्क में कुंवर प्रताप। योजना कठिन है पर असंभव नहीं। ठीक है, सुझाव यह है कुंवर प्रताप कि यहीं पास में एक बस्ती है। उस बस्ती में 1000 मुसलमान सैनिक रहते हैं जो बंदूक चलाने की कला में निपुण हैं। कौन है ये लोग? ये मूलतः बिहार के रहने वाले हैं, परंतु मुगल सेनाओं ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया तो विपरीत परिस्थितियों में वो यहां आकर रहने लगे। यदि उन लोगों को समझा बुझाकर हम अपनी सेना में शामिल कर लें तो हमारी सेना की शक्ति अकबर के विरुद्ध बढ़ जाएगी। तो फिर हम अपनी ओर से किसी को भेज देते हैं उन्हें मनाने के लिए ना? कुंवर, हमें तो आपसे उचित कोई नहीं प्रतीत होता। नहीं जयमाल जी, नहीं, हम नहीं, आप स्वयं या फिर कल आ जाएंगे। कलर और खेतु है का? ओ, हमने उन्हें एक बहुत ही आवश्यक काम के लिए भेजा है। हमें एक संदेशा मिला था कि मेवाड़ से आपके लिए रण सिंह नाम का सैनिक कोई महत्वपूर्ण संदेश लेकर निकला है जिसे रास्ते में मुगल सेना ने पकड़ लिया। हम चिंतित हो उठे। यदि मुगल सेना को इस बात का भान भी हो गया कि आप दुर्ग चित्तौड़ में नहीं बल्कि यहां उपस्थित हैं तो समस्या विकट हो जाएगी। कौन इसलिए खेतु और चांपा को हमने रण सिंह का अंत करने के लिए भेज दिया है। देखो, बहुत वक्त बर्बाद कर रहे हो तुम। देख, बहुत हो गया, अभी वक्त है, अपनी जबान खोल दे, वरना खुदा कसम काट डालेंगे तुझे। सभी मर्द पूरा उठाएंगे और सभी औरतें मटका उठाएंगी। रुक जाओ, अच्छी तरह से तलाशी लो इन सबकी। नहीं, किसी के पास कोई हथियार तो नहीं है? जाओ। रण सिंह हमारा सैनिक है, चित्तौड़ का वीर सैनिक है। हम ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? आपने बात सोची भी कैसे कि उसे मरवा दे? और आप सभी इनकी बातों से सहमत हैं? हाजीराज, परंतु मुगलों ने उसे पकड़ लिया है ना, और जब तक रण सिंह अपना मुंह नहीं खोलेगा, अकबर तो उसे यातना देगा ही। हाजीराज, हम बस इतना चाहते हैं कि अकबर तक ये बात ना पहुंचे कि आप चित्तौड़ दुर्ग में नहीं। रण सिंह हमारा सैनिक है, चित्तौड़ का वीर सैनिक है। उसके वीरता भरे प्रयास के बदले में हम उसे ये फल दें। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? जबरदस्त इन सब ने रण सिंह के साथ खेतु की भी जान संकट में डाल दी है। देख लेंगे अब हम क्या करें।